तो साथियों, खाना खाने के लिए रुके हैं ढाबे पर। रात हो गई है, खाना खाने के बाद सो जाएंगे। ये हमारी गाड़ियाँ और ये हम सब साथी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 2 5 गाड़ियाँ लेकर निकले हैं हम लोग खाना खाने के बाद। सोने की स्थिति का जायज़ा लिया गया, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया स्लीपर केबिन है, सोने की अच्छी खासी व्यवस्था है दोस्तों। भारत बेंच ए क्लास केबिन उपलब्ध करवाती है, यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लीपर केबिन कर्टन्स के साथ में कवर की जा सकती है। यहाँ पर हमारा सामान बिखरा हुआ, बहुत लंबा रास्ता है क्योंकि थकान बहुत है साथियों। सुबह जल्दी निकलना होगा, जैसे कि आप लोगों को बताया कंपनी की गाड़ियाँ फ्रेश होती है, इन्हें बहुत ही आराम से चलाया जाता है। तो दोस्तों अब सुबह निकलेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों सुबह हुई और हम वापस निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। चूँकि हम लोग निकले हैं चेन्नई से, जाना है गुजरात के कच्छ में इन गाड़ियों को डिलीवर करने हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का टाइम है दोस्तों, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, चलते जाना है दोस्तों। साथियों बहुत हद तक रास्ता कवर कर लेने के बाद भूख लगी थी, ढाबे पर रुके थे खाना खाने के लिए। दोपहर का वक्त हो गया है, देखा जा सकता है दोस्तों, हमने खाना खा लिया है, थोड़ा रेस्ट किया जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद एक बार फिर से निकलेंगे दोस्तों हम। जैसे कि आप लोगों को बताया है बहुत लंबा सफ़र है, गाड़ियों को आराम से चलाना होता है, बहुत ही आरामदायक गाड़ी है दोस्तों। थकान तो महसूस हो ही नहीं रही है, पर चूंकि जैसे आप लोगों को बताया लेट नाइट गाड़ी चलाना होती है, यहाँ पर जिसका स्लीपर केबिन स्लीपर बर्थ देखी जा सकती है दोस्तों, अच्छी खासी स्पेस दी गई है, बेहतर यूटिलिटी स्पेस हमें इस केबिन में देखने को मिलती है, देखा जा सकता है साथियों। वीडियो को लगातार इंजॉय करते रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। हमारे और भी साथी हैं, आते ही होंगे, बस हमें निकलना ही है हमारे अगली जर्नी के लिए दोस्तों, अगले सफ़र के लिए दोस्तों। बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इस समय यहाँ पर हम जाम में फंस गए हैं, देखा जा सकता है हमारे आगे भी एक गाड़ी खड़ी है, साइड से भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, भयंकर जाम लगा हुआ है साथियों। बहुत समय यहाँ पर ख़राब हुआ हमारा, अभी भी लगभग 1 या 1.5 घंटा लग सकता है इस जाम से निकलने में दोस्तों, देख सकते हैं आप।